आगामी होली और रंगपंचमी त्यौहार के तहत बुधवार शाम शांति समिति की बैठक थाना परिसर में संपन्न हुई। बैठक में अधिकारियों ने भाईचारे और शांति के साथ मिलजुल कर त्यौहार मनाने की अपील की। बेटमा में पूर्व में टीआई रह चुके संजय चतुर्वेदी के देपालपुर एसडीओपी बनकर आने पर समिति सदस्यों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उनका स्वागत किया। संजय चतुर्वेदी पूर्व में लगभग 2 वर्ष तक बेटमा के थाना प्रभारी रह चुके हैं। एसडीएम अतुल सिन्हा, तहसीलदार बजरंग बहादुर, एसडीओपी संजय चतुर्वेदी, विद्युत मंडल अधिकारी धर्मेंद्र पंडित, थाना प्रभारी धीरेन्द्र पाल की उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई। सर्वसम्मति से पर्व के दौरान शराबियों और 3 सवारी वाहन चलाने वालों पर कार्यवाही करने, होली का स्थल पर साफ सफाई करने, जबरदस्ती किसी को रंग नहीं लगाने, जुलूस की अनुमति लेने सहित कई निर्णय लिए गए। बेटमा से संवाददाता की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।